अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीएड के कोर्स कोड 8610 के यूनिट 8 के साथ आज की वीडियो का टॉपिक चलेगा और ये टॉपिक है ह्यूमन लर्निंग एंड क्लासरूम टीचिंग। इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, एट द एंड ऑफ दिस यूनिट यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंट्स दैट लेड टू द थ्योरीज ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग एंड कॉग्निटिव लर्निंग। Differentiate between the associative and cognitive learning theories. You will be able to describe how teacher can use learning theories to help students learn complex skills. You will be able to relate the importance of conditioning in learning. Let's move to the topic and detail. Meaning and nature of learning. According to Mann, learning is more or less permanent incremental modification of behavior which results from activity, special training or observation. Learning उस चीज़ को कहते हैं जो कि एक permanent हो, एक मुस्तकिल चीज़ हो और एक हमेशा increase होने वाली modification of behavior हो, आपके रवैयों में, आपके बिहेवियर में जो आने वाली तब्दीली है और परमानेंट है जो चीज़, उसको लर्निंग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किनर, लर्निंग इज़ बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन, यानी हासिल करना और फिर वापस नॉलेज को इम्प्लीमेंट भी करना। अकॉर्डिंग टू गेट्स, लर्निंग इज़ मेडिएशन ऑफ बिहेवियर्स थ्रू एक्सपीरियंसेस, कुछ रवैयों में जो तब्दीली है तजर्बात के बाद, उसको लर्निंग कहते हैं गेट्स के मुताबिक। और अब हम देख रहे हैं किंग्सले एंड ग्रे की एम्फेसिस किस चीज़ पर था लर्निंग के हवाले से। द एक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अकॉर्डिंग टू देम, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इन सेटिस्फाइंग हिज मोटिवेशन अडॉप्ट्स और एडजस्ट to a situation in which it must modify its behavior in order to overcome obstacles or barriers. यानी लर्निंग जो है वो इनके मुताबिक उस रवैये का नाम है, उस चीज़ का नाम है जो हमें मुख्तलिफ माहौल में, मुख्तलिफ सिचुएशंस में, मुख्तलिफ रुकावटों के दौरान जो हम एक्शंस करते हैं, जो हमें चीज़ें मोटिवेट करती हैं, उन सबको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो हमारा जो बिहेवियर है वो लर्निंग कहलाता है। थस द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंक्लूड्स द फॉलोइंग्स, लेकिन लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। एक्विजिशन ऑफ न्यू एक्सपीरियंस, नए तजर्बात का हासिल करना। रिटेंशन ऑफ ओल्ड एक्सपीरियंसेस इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रेशन एंड स्किल्स, अपने पुराने तजर्बात का स्किल्स की सूरत में इजहार करना। उसके बाद है डिवेलपमेंट एंड मोडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कोई भी हो, तजर्बा कोई भी हो, उसकी डेवलपमेंट करना और मॉडिफाई करना, उसको तब्दील करना ज़रूरत के मुताबिक। सिंथेसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू एक्सपीरियंस रिजल्टिंग इन नॉवल पैटर्न कॉल्ड लर्निंग। वो कहते हैं कि पुराने जो आपके तजर्बात हैं और नए जो तजर्बात हैं उनको मिला कर, ऑर्गेनाइज करके कुछ नया पैटर्न लाना अपने इनोवेशन के साथ, तो उसको लर्निंग कहेंगे। अ वेरी कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन इज़ गिवन बाय क्रो एंड क्रो एज अंडर। क्रो एंड क्रो भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं और उनकी तरफ से जो डेफिनेशन दी गई है वो ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव कंसीडर की जाती है। लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, इल्म का हासिल करना, इंफॉर्मेशन का हासिल करना। हैबिट्स एंड एटीट्यूड, आदतें और रवैये। इट इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, इसके अंदर फिर काम को करने के नए तरीके, चीज़ों को करने के नए तरीके इन्वॉल्व होते हैं। एंड इट ऑपरेट्स इन एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स और टू एडजस्ट न्यू सिचुएशंस। ये हम लास्ट स्लाइड पर भी देख चुके हैं कि न्यू सिचुएशंस, न्यू हालात के तहत और रुकावटों के दौरान मुख्तलिफ जो हमें मुश्किलात पेश आए मामलात में, उनमें जब हम अपने नॉलेज और हासिल करदा जो हमारी हैबिट्स हैं हमारी रूटीन लाइफ में, उन सब के तहत जब हम चीज़ों को करने में इन्वॉल्व होते हैं तो उस काम को, उस करने को लर्निंग कहते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लर्निंग
एज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ये जो सारे पॉइंट्स अब मैं आपके सामने लाने लगी हूँ, ये हमें हेल्प करते हैं कि वो हम जो लर्निंग की नेचर है, नेचर ऑफ लर्निंग है, उसके बारे में या रवैयों का तब्दील होना, मॉडिफाई होना, हमें इसके बारे में समझने में मदद देंगे ये वाले पॉइंट्स। लर्निंग वर्सेस मैच्योरेशन, लर्निंग का आप एक मैच्योर और पुख्ता होने के साथ एक जो ताल्लुक है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसी तरह परमानेंस यानी मुस्तकिल मिजाजी ऑफ लर्निंग, लर्निंग की किसी भी चीज़ को सीखने के अंदर जो आपकी मुस्तकिल मिजाजी है वो भी हेल्प करती है आपकी लर्निंग में। चेंज इन बिहेवियर मेक फेक प्लेस इन द डिज़ायरेबल डायरेक्शन और इन द अनडिज़ायरेबल डायरेक्शन। बिहेवियर का जो चेंज है वो एक डिज़ायरेबल डायरेक्शन में भी हो सकता है और एक अनडिज़ायरेबल डायरेक्शन के तहत भी हो सकता है। लर्निंग कैन बी बोथ इंसिडेंटल और इंटेंशनल, हादसाती तौर पर भी आपको आपकी लर्निंग हो सकती है, और ये लर्निंग भी तो एक्सपीरियंस है ना, तो हादसाती तौर पर भी आपको कोई तजर्बा हासिल हो सकता है और आप जानबूझकर लैब में या किसी एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में भी कोई तजर्बा करके अपने जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको मैच्योर कर सकते हैं किसी भी सर्टेन टॉपिक की तरफ। लर्निंग इन्वॉल्व्स बोथ ओवर एक्ट्स एंड कोवर्ट्स प्रोसेस, यानी कि आप जो जाहिर करते हैं आपके एक्शन से शो होता है वो भी लर्निंग है, और जो चीज़ें आपकी कॉन्फिडेंशियल हैं, आपके अंदर हैं, जो आपके अंदर तब्दीली आई है जिसको आप दूसरों के सामने नहीं शो हो रही, वो भी लर्निंग कहलाएगी। लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम री इन्फोर्स्ड प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस मेक अ मैन परफेक्ट। तो ये एक एग्जांपल, एक मुहावरा आपके सामने है। इसी तरह लर्निंग जो है वो प्रैक्टिस के थ्रू भी की जा सकती है, किसी भी चीज़ को बार बार करने से। लर्निंग इज़ बोथ अ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, लर्निंग दोनों चीज़ें हैं, एक प्रोसेस भी है और एक प्रोडक्ट भी है, एक 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 चीज़ जो बन के आपके सामने आती है वो भी है। अब हम देख रहे हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग की या सीखने के अमल की जनरल खूबियाँ क्या हैं। लर्निंग इज़ एडजस्टमेंट, किसी भी चीज़ की एडजस्टमेंट करना लर्निंग कहलाता है। लर्निंग इज़ ग्रोथ, किसी भी चीज़ की परवरिश होना, बढ़ना, उसके अंदर उसके हुजम में इजाफा होना, वो भी लर्निंग कहलाता है। लर्निंग इज़ ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंसेस, जो तजर्बात आपके पास हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको उनके अंदर नए पैटर्न डालना, आपके इनोवेशन करना, वो भी लर्निंग कहलाता है। लर्निंग इज़ पर्पसफुल, हमेशा लर्निंग पर्पसफुल होती है। लर्निंग इज़ एक्टिव, और लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस का नाम है। लर्निंग इज़ इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव, जो भी जहानत और तखयलत क्रिएटिविटी के काम हैं वो सब जहानत के जो काम हैं और क्रिएटिविटी के, वो सब लर्निंग कहलाते हैं। लर्निंग इफ़ेक्ट्स द कंडक्ट ऑफ लर्नर्स, लर्नर्स का जो रवैया है, जो उनकी ज़िंदगी का अंदाज़ है, जो उनकी चीज़ों को देखने का अंदाज़ है, वो सब मुतासर करती है लर्निंग। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके अंदाज़ो अतवार में तब्दीली आती है। लर्निंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, जो भी माहौल है उसकी उसके अंदर जो कोई प्रोडक्ट सामने आती है बनके, कोई चीज़ सामने आती है, वो लर्निंग कहलाती है। लॉज ऑफ लर्निंग हमारे सामने हैं, ये हैं जी लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलेशन और स्टिमुलस, लॉ ऑफ रिसेंसी यानी वेलकम करना किसी भी चीज़ को, ओपन होना किस चीज़ के लिए, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस लॉ, आखिरी जो लॉ है। अब हम इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल भी देखेंगे। लॉ ऑफ रेडीनेस, फंडामेंटल लॉज ऑफ लर्निंग आर लॉ ऑफ रेडीनेस, पहला लॉ है हमारे पास, यानी मेंटली तैयार होना। जब आप किसी काम के लिए तैयार होते हैं तो उस वक्त ही आपके अंदर वो काम करने की जो ख्वाहिश है, इंटरेस्ट है, उस काम को, उसका उस होने वाले काम को और आपकी कारकर्दगी को बेहतर करती है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ लर्निंग, एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेडीनेस टू लर्न, ये फोकस करती है कि
कोई इंसान कितना लॉ ऑफ रेडीनेस फोकस करती है कि आप कितने तैयार हैं सीखने के लिए, आपका माइंड कितना तैयार है कुछ सीखने के लिए। अ पर्सन फील्स रेडी टू लर्न और टू एक्ट, ही लर्न्स और एक्ट मोर इफेक्टिवली एंड वेल विद ग्रेटर सेटिस्फेक्शन देन व्हेन नॉट रेडी। जब कोई भी इंसान किसी काम को करने के लिए तैयार होता है तो उसके एक्शंस उस काम के दौरान उसकी सारी परफॉर्मेंस बहुत इफेक्ट होती है और उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है उस काम करने के नतीजे में। लेकिन अगर वो बिना मेंटल रेडीनेस के कोई काम करता है तो उसको उसके अंदर बोरियत महसूस होती है। जाहिर है उस काम की फिर जो लर्निंग और उसके उस काम के दौरान होने वाले जो एक्सपीरियंस है, जो भी काम वो कर रहा है या जिसको हम लर्निंग भी कहेंगे, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी, देर पा नहीं होगी अगर उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा, अगर वो मेंटली रेडी नहीं होगा सीखने वाला। लर्नर्स मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर टू लर्न, जहनी तौर पर लाजमी उसको तैयार होना चाहिए सीखने के लिए। एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, ये भी है कि आपके अंदर किस कदर तहरीक है, किस कदर मोटिवेशन है लर्निंग की, ये फोकस करता है लॉ ऑफ रेडीनेस उस तहरीक उस मोटिवेशन पर फोकस करता है कि किस कदर आप मोटिवेटेड हैं टुवर्ड्स लर्निंग। लर्नर्स मस्ट बी ब्रॉट इन द प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड एंड हिज क्यूरियोसिटी मस्ट बी इंक्रीज्ड फॉर ब्रिंगिंग अबाउट इफेक्टिव लर्निंग। लर्नर जो है वो लाजमी तौर पर इस फ्रेम ऑफ माइंड में लाया जाए, उसको जहनी तौर पर इस तरह तैयार किया जाए कि उसका तजस्स बढ़ जाए, उसका तजस्स बढ़ जाए कि मैं आज क्या सीखने जा रहा हूँ। जितना वो पुरतजस्स होगा उतना ही उसकी लर्निंग मौसर होगी, देर पा होगी। अब हम देखते हैं दूसरा लॉ, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी किसी भी काम को बार बार करने से, उसकी प्रैक्टिस करने से आपकी लर्निंग जो है वो एक मैच्योर फेज में आती है। Implies that learning takes place by exercising, by doing or by actively participating in the performance. कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, जो भी कुछ आप सीख रहे हैं, चाहे वो पढ़ना है किसी चीज़ का, स्टडी करना है या कोई प्रैक्टिकल वर्क है, तो उसके बारे में जिस कदर आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई अगर आप स्टडी का कर रहे हैं तो आप बार बार किसी चीज़ को पढ़ने से प्रैक्टिस होगी, और इस तरह कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसको बार बार प्रैक्टिस करने से आपके लर्निंग जो है वो एक परमानेंट फेज में आएगी। ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। दैट इज़ वाई दिस लॉ इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ इफेक्ट तीसरा लॉ है, इम्प्लाइज दैट इट इफ़ एफर्ट्स आर अकॉम्पेन्ड बाय अ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट देन इंस्पायर टू लर्न एंड देयरफॉर एक्टिव इफेक्टिव लर्निंग टेक प्लेस। जब आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी जैसे आप बच्चों के टेस्ट के हवाले से अगर आप बात करें, तो जिस कदर कोई टेस्ट में अच्छे नंबर अचीव करेगा तो उसके इंस्पिरेशन लर्निंग की तरफ बढ़ेगी और वो उससे अगले टेस्ट में उससे भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए कोशिश करेगा। इसी तरह से कोई अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, मसलन आप कोई ऐसा डिज़ाइन तख्लीक करने लगे हैं किसी स्टिचिंग के हवाले से अगर हम एग्जांपल लें, तो आपको लगेगा जब आपका बनाया हुआ डिज़ाइन सबको बहुत पसंद आया और बहुत प्यारा बना, तो आप मज़ीद अपना जो है उस काम में और परफेक्ट होने के लिए और बेहतर करने के लिए और इनोवेशन लाने के लिए जो आप मेहनत करेंगे और उसको लॉ ऑफ इफेक्ट कहेंगे, यानी एक चीज़ की कामयाबी जो है वो आपको मोटिवेट करती है टूवर्ड्स मोर लर्निंग। इफ़ एफर्ट्स आर नॉट अकॉम्पेन्ड बाई अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन नॉट मच ऑफ रियल लर्निंग विल टेक प्लेस। जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की अच्छी पजीराई नहीं पाएंगे, खुद भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो आप उस चीज़ को करने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहेंगे दोबारा से। लॉज ऑफ रेसेंसी, यानी किसी चीज़ को करने के लिए जहनी तौर पर तैयार होना, जैसे वी रिमेंबर दीज थिंग्स बेटर विच आर कंपेरेटिवली रिसेंट, जो भी पिछले दिनों हुई होती हैं, करीब माजी करीब में हुई हुई चीज़ों को हम ज़्यादा याद रख सकते हैं। दिस एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन, इसीलिए हम बच्चों को बार बार किसी भी चीज़ की किसी भी चैप्टर की किसी भी अहम
जो पॉइंट्स हैं सबक के उनकी रिवीजन कराते हैं, क्योंकि जो रिसेंटली पढ़ा गया होता है वो आपको ज़्यादा जल्दी याद रहता है। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट लॉ, लॉ ऑफ रिसेंसी, यानी नियर पास्ट में जो आपके लॉज, जो आपने इन्फॉर्मेशन हासिल की होती है वो आपको ज़्यादा याद रहती है। वी रिमेंबर दैट थिंग दीज थिंग्स बेटर विच आर कंपैरेटिवली रिसेंट, जो भी हाल ही में माजी करीब में हुई हुई चीज़ें हैं वो आपको याद रहती हैं। तो हमें इस हवाले से हम रिवीजन को इम्पोर्टेंस देते हैं। दिस एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन, बच्चों की जो हम बार बार रिवीजन कराते हैं किसी भी टॉपिक की, किसी भी चैप्टर की, किसी भी क्वेश्चन की, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, तो वो इस लॉ के तहत उनकी स्टडी को ज़्यादा मैच्योर करने के लिए, उसकी उनकी लर्निंग को मैच्योर करने के लिए करवाई जाती हैं। द स्टूडेंट शुड रिवाइज ओकेजनली सो दैट द थिंग्स आर अगेन रिफ्रेश्ड इन देयर माइंड, बच्चों को बार बार चीज़ों को रिवाइज करना चाहिए ताकि वो जो इंफॉर्मेशन है उनके दिमाग में ताज़ा रहें। रिवीजन शुड बी डन आफ्टर शॉर्ट इंटरवल्स एंड आल्सो जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, इम्तिहान से बिल्कुल पहले भी रिवीजन होनी चाहिए और इसी तरह छोटे छोटे वक्फों के बाद रिवीजन करते रहना चाहिए। विदाउट रिवीजन अ स्टूडेंट इज एप्ट ऑफ फॉरगेट इवन द बेस्ट एजिमिलेटेड मैटर, जो बहुत अच्छे से उन्होंने तैयार किया होता है वो मैटर भी इवन रिवीजन के बिना बच्चों को याद नहीं रहता है। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस लॉ, अगला जो हमारे पास फाइनल आखिरी लॉ है वो है कि किस तरह से आप कितने इंटेंसिटिव हैं अपने मामलात के, लर्निंग के मामलात में। द स्ट्रॉन्गर द स्टिमुलस द ग्रेटर द लर्निंग, जितना भी आपका वो मुहर्रिक स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही, यानी कोई रीज़न होगी आपके लर्निंग के लिए, जितनी स्ट्रॉन्ग रीज़न होगी उतने ही स्ट्रॉन्ग आपकी लर्निंग होगी। अ स्टूडेंट हु इज़ मोर सीरियस एंड एंथुजियास्टिक अबाउट हिज स्टडीज़ will make greater progress and achievement, जो अपने पुरजोश होगा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी achievements के हवाले से study related, वो student ही ज़्यादा अच्छी learning उसकी मजबूत होगी, mature होगी और वो उतना ही interest भी होगा। वो सारी चीज़ें जो हमने learning के पीछे stages के हवाले से पढ़ी थी वो सब शामिल होंगी तो उसकी learning बेहतर होगी। Thus the function of educator is to provide greater stimulus to the student. तो यहाँ टीचर का ये किरदार है कि वो बच्चों के लिए एक अच्छा मुहर्रिक बनाए, पैदा करे, उनको रीज़न दे स्टडी करने के हवाले से। Genuine praise and appreciation act as great stimulus. जो असली तारीफ है उनकी और उनको appreciate करना जो है वो एक अजीम, एक बड़ा मुहर्रिक हो सकता है टुवर्ड्स लर्निंग। पीरियोडिक टेस्ट एंड एग्जामिनेशन आर ग्रेट स्टिमुलस, जब आप देखते हैं बच्चों के टेस्ट लिए जाते हैं या कोई एग्ज़ाम के लिए उनको कहा जाता है तो वो ज़्यादा गहरा अपना स्टडी जो है उसको कर देते हैं, ज़्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं। ये भी एक मोटिवेशन है स्टडी करने के हवाले से, वे ऑफ मोटिवेशन। Learning as modification of behavior. Learning does not only the acquisition of knowledge or skill. सिर्फ knowledge और skill का हासिल करना नहीं है, जैसा कि हमने start में कहा था, it include acquiring of attitude, values like dislikes and many other habits. इसमें शामिल हैं किसी भी चीज़ का हासिल करना knowledge के साथ साथ आपके रुझानात का, आपके values का, आपके पसंद नापसंद और आप बहुत सारी आदात जो हैं वो सारी लर्निंग के, जो आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन है उसकी तरफ अहम किरदार अदा करती हैं। अ नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट हैव डिफाइंड लर्निंग एज चेंज और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं, वो इस तरह से उसकी तारीफ करते हैं लर्निंग के, जो रवैयों में तब्दीली ले आए। लर्निंग उस चीज़ को कहते हैं जो आपके बिहेवियर में चेंज लाए, या जो आपके बिहेवियर में चेंज आता है वही लर्निंग होती है। लर्निंग इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स इंटरेक्शन विद अ सिचुएशन, जैसे वो किसी भी सिचुएशन में बातचीत करता है, इंटरेक्ट करता है पर्सन, वो उसके बिहेवियर को शो कराती है। एक्वायर अ न्यू मोड ऑफ बिहेवियर,
लर्निंग के बाद आपके बिहेवियर में एक नया मॉडल, एक नया तब्दीली आती है जिसको लर्निंग कहते हैं, विच टेंड्स टू प्रिजिस्ट एंड जो के मौजूद रह सकती है, अफेक्ट द जनरल बिहेवियर पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू सम डिग्री, किसी हद तक आपके अमूमी रवैये में भी तब्दीली लाती है। अकॉर्डिंग टू जी ए किम्बले, लर्निंग रेफर्स टू अ मोर और लेस परमानेंट चेंज इन बिहेवियर विच अकर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस करने से जो आपके रवैये में, जो आपके आदात में तब्दीली आती है, जो कि पक्की तब्दीली हो, परमानेंट तब्दीली हो, उसको लर्निंग कहते हैं। लर्निंग स्टैंड्स फॉर रिलेटिवली परमानेंट चेंज और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। लर्निंग इज़ द रिजल्ट ऑफ री इन्फोर्स्ड प्रैक्टिस। जो भी काम आप एक मोटिवेशन के तहत करते हैं, बार बार करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और जो उस प्रैक्टिस के नतीजे में उस काम के हवाले से आपके अंदर तब्दीली आती है, आपके बिहेवियर के अंदर तब्दीली आती है, उसको लर्निंग कहते हैं। जैसा कि अगर आप हम पिछले चैप्टर्स के टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा टच करें, जैसे मॉरल डेवलपमेंट थी आपकी, इमोशनल डेवलपमेंट थी, सोशल डेवलपमेंट थी, उसके हवाले से अगर बात करें, तो यहाँ पर जो चीज़ें आपके रवैयों में तब्दीली लाती हैं वो सारी डेवलपमेंट्स होती हैं, सिर्फ लर्निंग नहीं है। लेकिन उन सब तब्दीली, जो डेवलपमेंट्स हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी थी, उन सब के नतीजे में अगर आपके बिहेवियर में कोई तब्दीली आती है तो वो भी एक लर्निंग कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कहा जाता है कि बच्चों को कहा जाता है कि आपने सीधी लाइनों में चलना है स्कूल में, जब असम्बली हो आएँ भी आप लाइन में और जाएँ भी लाइन में। ये चीज़ अगर आपने उनको इतनी दफ़ा प्रैक्टिस करा दी कि वो उनकी आदत बन गई, कि उन्होंने क्लास के चार पांच बच्चे भी कहीं जा रहे हैं, ब्रेक में भी जा रहे हैं और वो लाइन बना लें, तो वो एक जो बिहेवियर का एक कहेंगे ना नुमाइश है या दिखाना है इस तरह के बिहेवियर का, वो पक्की लर्निंग है, वो है मैच्योर लर्निंग, कि आप कोई भी चीज़ बच्चों की आदतों में डाल दें। बेसिस ऑफ बिहेवियर, एन इंडिविजुअल ट्राइज टू मॉडिफाई हिज बिहेवियर टू मीट हिज इंटरनल एंड एक्सटर्नल नीड्स। इंसान हमेशा अपने रवैयों को चेंज करता रहता है ताकि वो अपने अंदरूनी ख्वाहिशात के साथ साथ बैरूनी जो हालात हैं, एनवायरनमेंट है, उसके साथ भी बराबर रह सके, एक साथ ले कर चल सके। नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स देयरफॉर आर द बेसिक काजेज ऑफ लर्निंग। जो भी उसके अंदरूनी ज़रूरत है, जैसे अब किसी का शौक होता है कि उसने इल्म हासिल करना है, किसी का शौक है कि उसने कुक बनना है, किसी का शौक है कि उसने अच्छा टेलर बनना है, किसी को शौक है कि वो डॉक्टर बने, कोई चाहता है, अच्छा वो सारी इंटरनल नीड्स हो गई आपकी। इसी तरह जब जो एक्सटर्नल होंगी वो आपके पेरेंट्स की ख्वाहिशात हैं, सोसाइटी की नीड्स हैं, आपके टीचर्स की भी मोटिवेशन है कि आप में तो ये वाली सलाहियत है, आप बहुत अच्छे पेंटर बन सकते हो, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो। इस तरह के जो एक्सटर्नल और इंटरनल नीड्स हैं वो इंसान की लर्निंग में अहम किरदार अदा करती हैं। दीज नीड्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग वेज। वो इस तरह के तीन पहलुओं में क्लासिफिकेशन इन नीड्स की जा सकती है। बेसिक नीड जैसे कि फूड और शेल्टर, ये भी आपको आपकी लर्निंग करती हैं कि भूख के वक्त आपने किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से आपको शेल्टर चाहिए, सर्दी लगेगी तो आप कैसा फील करेंगे, गर्मी लगेगी तो आपने क्या फील करना है और कैसे बिहेव करना है। साइकोलॉजिकल नीड्स, सेटिस्फेक्शन ऑफ अर्ज एंड डिज़ायर्स, प्लेजर एंड हैप्पीनेस। आपकी जो अपनी नफसियाती ज़रूरियात हैं जिसके तहत आपके अंदर जो ख्वाहिशात होती हैं, आपकी खुशी और जो आपको सेटिस्फाई करने वाली जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए भी आप लर्निंग करते हैं। नॉर्मेटिव नीड्स, अटेनमेंट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जर्विंग नॉर्म्स एंड वैल्यूज, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स सेट बाय एडल्ट्स एंड सोसाइटी। अब तीसरे नंबर पर वही बात आ गई जो मैंने इसके इस पैराग्राफ के इस स्लाइड के स्टार्ट में कही कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको टीचर मोटिवेट करते हैं कि आप ये बन सकते हैं, आप टीचर बने, डॉक्टर बने। इसी तरह पेरेंट्स और सोसाइटी का जो रिक्वायरमेंट है, प्रेशर है, उस सब के तहत जो आप जिस फील्ड को अपनाते हैं या लर्निंग की तरफ जाते हैं वो भी एक बेस है आपके बिहेवियर के तब्दील होने की और आपके लर्निंग को इम्प्रूव करने की। कंडीशंस ऑफ लर्निंग, कौन कौन सी कंडीशंस हैं? पहले मोटिवेशन है, मोटिवेशन मीन इंटरेस्ट, आपका आपकी दिलचस्पी। टीचर मस्ट क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन लर्निंग। आप कह सकते हैं
कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो आपके ये दो तीन जुमले होंगे वो बच्चों को मोटिवेट कर देंगे, वो मेंटली रेडी हो जाएंगे, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, तो आपकी जो पढ़ाई हुई बात है, जो आपकी कही हुई बात है, उसको वो ज़्यादा डीपली और गहराई में जाकर सुनेंगे। ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि उसको समझेंगे भी। क्लैरिटी ऑफ प्रेजेंटेशन, द सब्जेक्ट मैटर मस्ट प्रेजेंटेड क्लियरली बिफोर द स्टूडेंट्स सो दैट दे अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। उनके सामने स्टूडेंट्स के सामने जो सब्जेक्ट मैटर है वो किस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं, अगर तो आपका मटेरियल आप क्लियरली कन्वे कर पाते हैं तो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी तो लर्निंग भी बेहतर होगी। यानी आप अगर उनके गिलास में पानी ही आप फुल ना भर सकें तो वो कैसे हम कह सकेंगे कि उनकी प्यास पूरी हो गई है। जितना आप उनके गिलास को भरेंगे उतना ही वो उनकी सेटिस्फेक्शन ऑफ जो एक थ्रस्ट है वो मुकम्मल होगी। प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, उनको पर्सनल ऑब्जर्वेशन इज़ मस्ट फॉर सक्सेसफुल लर्निंग। कोई भी लर्निंग हो कामयाब तब हो सकती है जब उसमें खुद पर्सनली बच्चे भी ऑब्जर्व करें और टीचर भी। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस लर्निंग टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर। अब आप तीसरी क्लास के बच्चे को फिफ्थ क्लास की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के चैप्टर में, उस कदर हुई नहीं होती है। उसकी एज, उसका जहनी सतह ही उस काबिल नहीं होती है कि आप उससे फिफ्थ क्लास के स्टैंडर्ड की कोई लर्निंग या इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में उंडेल सकें। तो इस तरह से जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है उसके मुताबिक, या लेवल ऑफ योर स्टूडेंट्स एज है और जो इनका इंटेलेक्चुअल लेवल है उसके मुताबिक ही उनसे बातचीत की जाए ताकि वो लर्निंग भी हो, आपके अल्फाज ज़ाया ही ना हो जाएं। एकेडमिक एटमॉस्फेयर एक अहम किरदार अदा करता है लर्निंग में। अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट कंडीशन ऑफ लर्निंग इज़ द प्रोविजन ऑफ एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर द लर्नर। अब आप स्कूल में देखें कि अगर आपके इर्द गिर्द जनाब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बिजली नहीं है, शदीद गर्मी है, बाहर ट्रैफिक सड़क पर चल रही है, और वो सारा एकेडमिक एटमॉस्फेयर तो नहीं होगा ना कि वो बच्चों की लर्निंग अच्छी हो। इफ़ेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, आपका जो टीचिंग का मेथड आप चूज़ करते हैं उसका भी बहुत अहम रोल है टुवर्ड्स मैच्योर लर्निंग और बेस्ट लर्निंग। बेटर एंड इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग आर एसेंशियल फॉर लर्निंग। आजकल जो मेथड ऑफ टीचिंग पसंद किया जाता है वो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग है, जिसमें ज़्यादातर बच्चों को खुद उनके लर्निंग बाय डूइंग करवाया जाता है, उनसे काम करवा के उनको एज अ फैसिलिटेटर गाइड तो किया जाता है लेकिन उनको लेक्चर मेथड के थ्रू नहीं पढ़ाया जाता है। रीइंफोर्समेंट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ एसोसिएटिंग प्लेजेंट और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स विद द रिस्पॉन्सेज मेड बाय द लर्नर। आप बच्चों का जो लर्निंग का एक पैटर्न है उसमें उनके अपने एक्सपीरियंसेस भी उसमें काम आते हैं। वो खुशगवार तजर्बात भी हो सकते हैं, ना खुशगवार तजर्बात भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बच्चों ने कभी देखा है कि अगर लाइट नहीं है और उन्होंने अंधेरे में किसी कमरे के अंदर जाना है तो उन्हें एक आध दफ़ा किसी चीज़ से टकरा कर अगर उन्हें कोई चोट लगी है तो वो एक नाखुशगवार तजर्बा है, और उस नाखुशगवार तजर्बे के नतीजे में वो दोबारा किसी अंधेरे कमरे में दाखिल होने से पहले उस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि वो दोबारा कहीं किसी चीज़ से ना टकराएं। तो रीइंफोर्समेंट यानी उनको वो दूसरे कमरे में, ये भी हो सकता है दूसरा नतीजा कि वो अंधेरे कमरे में जाने से ही कतराएं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हैं जो एक्सपीरियंस हैं, जो प्लेजेंट होगा तो बच्चे रीइंफोर्स होंगे दोबारा उस काम को करने के लिए, और अगर अनप्लेजेंट होगा तो वो दोबारा उस लर्निंग और उस प्रोसेस की तरफ नहीं जाना पसंद करते। प्रैक्टिस, देयर इज़ अ ग्रेट ट्रूथ इन द डिक्टम दैट प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ये चीज़ हो चुकी। इमिटेशन इन लर्निंग, द मोस्ट कॉमन जनरल इनेट यानी नेचरली जो टेंडेंसी ऑफ लर्निंग है बच्चों में वो पाई जाती है बाय इमिटेशन यानी नकली करके। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों के आगे, हम इन तस्वीर के थ्रू भी देख रहे हैं कि जैसे बड़े एडल्ट्स एक्शन कर रहे हैं सेम वही छोटे बच्चे भी कर रहे होते हैं। तो नकाली का जो एस्पेक्ट है वो छोटी एज में यानी जो आपके पैदाइश से 2 साल तक का जो है या फिर प्री चाइल्ड एरिया ऑफ
लाइफ है उसमें सारे ये लर्निंग बाय डूइंग जो सॉरी इमिटेशन के थ्रू लर्निंग ज़्यादा होती है. इमिटेशन इज़ कॉग्निटिव इन नेचर. असल में नक्काली जो है वो असल में आपकी जहनी ग्रोथ है कुदरती तौर पर. बिकॉज कोई भी नकल तब कर सकता है बच्चा जब उसके अंदर वो जहानत पाई जाए कि वो उस एक्शन की नकल सेम कर पाएगा. अगर उसके अंदर वो ये जहनी सलाहियत ही नहीं होगी तो वो फिज़िकल सलाहियत के बावजूद भी वो ये जो नकाली है इमिटेशन है वो नहीं कर सकता. सजेशंस हैं टू हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अनकॉन्शियस इमिटेशन बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ इमिटेशन इज़ दैट इज़ एक्शन ओरिएंटेड. वो कहते हैं एक आप जानबूझकर नकल करते हैं और एक आप अनकॉन्शियसली लाशौरी तौर पर किसी चीज़ किसी की कॉपी कर रहे हैं. तो एक्शंस में अपने बिहेवियर में ये दोनों चीज़ें आपकी लर्निंग का हिस्सा हैं. एक लाशौरी तौर पर एक शौरी तौर पर. ऑल एक्शंस आर बोरोड. तमाम जो हरकत और सकनात हैं वो उधार ले गए थे मतलब दूसरे को देख कर की जा रही होती हैं. कोई अपनी क्रिएटिविटी नहीं होती है उन एक्शंस में. We generally imitate those who are elder to us or whom we held in esteem. This is particularly true of children. बच्चों के लिए ख़ास तौर पर ये बात सच है कि वो उनकी नकाले करते हैं जो उनसे बड़े हैं या जिनको वो बहुत पसंद करते हैं. They like to copy their teachers and parents. बच्चे हमेशा देखें तो जब भी आप उन्हें खेलते हुए देखेंगे किसी घर साथी बच्चों के साथ तो वो या तो टीचर बन के खेल रहे होंगे या अपने अम्मी अब्बू का जो भी प्रोफेशन है वो वाले प्रोफेशनल बन के रोल प्ले कर रहे होंगे. इस तरह से वो नकाली कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स की या अपने बड़ों की या फिर अपनी टीचर की. देयर इज़ नो लॉजिकल कंसीव्ड ग्राउंड इन इमिटेशन. कोई भी इमिटेशन के लिए कोई लॉजिकल ग्राउंड नहीं है कि लाजमी तौर पर इस काम की नकल होगी और इस काम की नहीं होगी. It is an unconscious process but can be easily noticed by others. ये एक लाशौरी प्रोसेस है लेकिन दूसरे लोग इसको नोटिस कर सकते हैं आसानी से. जैसे हम कहते हैं कि इसकी इस बच्चे के चलने का स्टाइल बिल्कुल इसकी मामा जैसा है या इसके पापा जैसा है. तो क्या है वो नकल कर रहे हैं लेकिन लाशौरी तौर पर कर रहे हैं. अब वहाँ पर बात हेरिडिटी की आ जाती है जीन्स की आ जाती है. टाइप्स ऑफ इमिटेशन कौन कौन सी हैं जी. Derver has mentioned two types of imitation. एक deliberately की जाती है imitation, दूसरी unconsciously की जाती है. In deliberate imitation, a person imitate deliberately. जानबूझकर एक इंसान किसी को फॉलो करता है किसी को पसंद करता है तो उसके मुताबिक अपनी हरकत और सकनात में भी उसको कॉपी करने की कोशिश करता है. पुट ऑन हेयर स्टाइल ऑफ फेमस फिल्म स्टार्स. जैसे कि आप किसी मशहूर फिल्म स्टार का हेयर स्टाइल अपना लेते हैं. बहुत पुराने ज़माने में वहीद मुराद का हेयर स्टाइल बहुत मशहूर हुआ था. इमिटेट देयर मोड्स ऑफ एक्शंस डिलिबरेटली. उनके जो हरकत और सकनात हैं आपकी पसंदीदा हस्तियों के चाहे वो कोई फिल्म स्टार है चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर है या टीचर है तो आप जानबूझकर उनके जैसा चलने की कोशिश करते हैं उनके जैसे लिबास पहनने की कोशिश करते हैं उनके जैसा दिखने की कोशिश करते हैं उनके जैसा बोलने की कोशिश करते हैं. इन अनकॉन्शियस इमिटेशन वन इमिटेट देयर अदर्स अनकॉन्शियसली. दूसरी जो इमिटेशन की टाइप है उसमें इंसान लाशौरी तौर पर कॉपी कर रहा होता है. चिल्ड्रन जनरली इमिटेट अदर्स अनकॉन्शियसली. छोटे बच्चे जब करते हैं तो जनरली जो नकाली कर रहे होते हैं वो लाशौरी तौर पर कर रहे होते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा यूनिट 8 ह्यूमन लर्निंग एंड क्लासरूम टीचिंग. उम्मीद है आप इस यूनिट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.